नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछि मु निवेदिता। बुलेटिन आरंभ करबा हले प्रथमे देखिनबा कोन रहिछि वर्तमान रो हेडलाइंस। कमिशनरेट पुलिस हाथरे 6 निसादिया लुटेरा यात्री को टारगेट करी बंधुता परे लूट करुथिबा अभिजोग। अभियुक्तक मध्यरे जणे मेडिसिन दोकान चाषीों पर हुलस्तूल। विधानसभा मंडी अव्यवस्था ने बीजेपी और कांग्रेस सदस्यों हल्ला बोल। अपराह चारिटा जाए गृह मुलतवी। गंजाम तरसिंहे खाकीर गुंडागर्दी बिना दोषे ग्रामवासी लौलुहाण पर तीनजों को बांधिला पुलिस। वीडियो वायरल कर पुलिस आक्शन उपरे प्रश्न उठाइले गिरफ व्यक्ति। विपदरे पानपुष ब्राह्मणी सेतु पोल तलू कंक्रीट खंड भांगी नदी में पड़ुछि अर्गस हाथ वीडियो। घटनार सत्यासत्य जांच कर कार्यानुष्ठान दावी कले। अगस्त पहले डाक्तरी प्रवेशिका परीक्षा नीट एगारटी भाषा में ऑफलाइन हेबो एग्जाम। पेन एवं पेपर मोड में परीक्षा देबे विद्यार्थी। विशुटे 16 ऑफलाइन क्लास आरंभ। बंद हेबो ऑनलाइन क्लास। 17 प्रथम वर्ष छात्र छात्री आसीबे कैंपस। कोरोना मुक्त होबा परे कुलपति पदक्षेप। उमरकोट में पुणी फुटला गुली। पीएनबी शाखा आगे जड़े युव व्यवसायी को गुलीमाड़। गुरुतर संजीव सुबोधी को नवरंगपुर मुख्य चिकित्सालय में भर्ती। एवं आज महानदी ट्रिब्युनाल 20तम शुणी। राज्य सरकार को आभिमुख्य को नहीं प्रश्न उठाइला महानदी बचाओ आंदोलन। बीजेडी कहला ओडिशा सपक्ष में जीव राय। कमिशनरेट पुलिस हाथरे 6 निशा दिया लुटेरा यात्री मानू टार्गेट करुथिले एही लुटेरा। प्रथमे बंधुता करुथिले आउ तापरे लुटुथिले। अभियुक्तों मध्यरे जणे मेडिसिन दोकानी मध्य रहिछन्ते। पूर्वरु विभिन्न थाना रे निशा दे लुट करिथिबार अभियोग आसीथिला। 6 जणक मध्यरे जणे मेडिसिन जोगाइथिबा मेडिसिन दोकानी मध्य गिरफ होइछन्ते। गोटे पर्टिकुलर टाइप रो अपराध कमिशनरेट पुलिस पाई चैलेंज होता। से अपराधटा थिला विशेषकर बस स्टैंड और रेल स्टेशन रे लोक ओल्हला विशेषकर जो लोक जहाँ व्यवहार चालीचलन भुवनेश्वर को नुआ आसी भाया जना पड़े ताकू किसी दोस्ती जमी व फ्रेंडशिप करी ड्रगिंग करी गोटे निर्दिष्ट स्थान को नहीं लुटपाट करुले। आमर कमिश्नरेट पुलिस रो जो स्पेशल स्क्वाड यही विषय विशेष काम करी अपराध करुथिबा जो तीन जन मुख्य आसामी को गिरफ्त कर। खाली से तीन जन मुख्य आसामी को गिरफ्त करनी परंतु यही अपराध घटेबारे सबुठ जो बड़ जिनस निशा औषध कहीं से जो ड्रगिंग जो निशा औषध व्यवहार करा जाउथिला ताकर प्रोक्योरमेंट अल्सो वाज इंपोर्टेंट। से भली जणे को गिरफ्त करिछु एवं एमाने जो लूट करिथिबा लूट सामान को जहाँ को देथिले बा रिसीवर से भलिया दुई जन को गिरफ्त करा जाय। मोट 6 जन अक्यूज पर्सन गिरफ्त होती जो थे तीन जन हेले मुख्य आसामी जो माने ए प्रकार अपराध घटौछंती। आमे तीन टा गोल्ड चेन प्राय 40 ग्राम ओजन रो सुना चेन 18 स्ट्रिप गोटे पर्टिकुलर निशा औषध जहाँ ना है आटीभान 2MG गोटे बाइक एवं 6टा मोबाइल फोन जबत कर। अर्थात प्रथमे निशा देउथिले तापरे लूट करुथिले ये थिला लुटेरांकर लूट रो पूरा तरीका। अधिक आलोचना करिबा संतोष सेना भुवनेश्वर प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी होती। संतोष जहाँ पुलिस कमिश्नर सोमेन्द्र प्रियदर्शी जहाँ प्रेसमिट करुथिले कौन सब प्रेसमिट्रे से बृत्ति रखिले।
देखंतु निस्ताबे वर्तमान समय जो निसादिया लुटरांकर अनेक खबर आसी निकट अतीतर पाखापाखी तीनटी केस दुईटी होची भरतपुर आउ गोटी होची आईजी पार्क अर्थात कैपिटल थाना एवं ए वर्ष तमाम पूरा ओडिशा व्यापी पाखापाखी एगारटी केस एभले आसलानी एवं या पूर्व वर्ष 2020 मसीहार वर्तमान समय जहाँ सूचना आसूँ पूरा ओडिशा रे पाखापाखी 1314 केस आसला एवं ये गोटे चिंताजनक कारण थिला एवं ये होची गोटे बड़ ग्यांग्र काम जो ग्यांग पूरा निशा द्रव्य संपर्क में जानुंट कौ मेडिसीन केते परिमाण रे क्या कौ भली लोक दिए कौ भली स्वास्थ्यावस्था लोक दे क्या पाखे काम कर एक समस्त जानुले बर्तमान समय जो 6 जन आक्यूज बर्तमान समय धरा पड़ता भितर 3 जन होती निशा दि लुटेरा अर्थात से निशा दौले लुटुते भितर आउ जे अच्छी जी हूँ मेडिसीन दोकानी जी हूँ जो मेडिसीन कथा कह से मेडिसीन जहाँ को हूँ जोगाऊ से बर्तमान समय हूँ गिरफ्त कराई आउ दुई जन जी रोते से दुई जन भितर जो मैंने रिसीव करते अर्थात लुटी जिनस को जो मैंने रिसीव करते से बर्तमान समय गिरफ्त होती कितु या भितर आउ गोटे कथ आसूँ ग्रुप पचर किए किए अच्छा भितर आउ किए किए सामिल अच्छा जे कहीं निर्दिष्ट गोटे जगार नहीं लुटपाट करते अर्थात जोटू लुट होना कहीं प्रथम निशा देते बेहोस करेंगे तापर निर्दिष्ट गोटे जगह नेपर ताक लुटे और ये 6 जनिया ग्रुप जो बर्तमान गिरफ्त होती कमिश्नरेट पुलिस को गोटे सफलता मिली कमिश्नरेट पुलिस कहती या भितर पचर आउ किए किए अच्छा खोलतार चली गोटे बैक 40 ग्राम सुना और अन्य जो लुट्र शिकार होती से बर्तमान समय ना गिरफ्त कराई से जिनस फेरी पाई कौटना कौटी राज्य में अनेक जो ग्यांग अच्छा भितर कमिश्नरेट पुलिस 4-5 ग्यांग अच्छा गोटे ग्यांग खबर हूँ तो कमिश्नरेट पुलिस पाई आहरी 3-4 ग्यांग बाकी अच्छा से पाखे केवे पुलिस पहुँचो या को नहीं गोटे बर्तमान बड़ चर्चा हो कहीं अपराध को पूरा मूल लिभे न दिगले पुणी थे अपराध बढ़ कहीं या पूर्व निशा दिया लुटेरा कला कारनामा संपर्क में आम गोटे दुईटे सचेतनतामूलक स्टोरी आम खबर प्रसारण करते कि स्टाइल था प्रथम बंधुता बनइबे बुलाई डाके सपिंग करने डाके से पूरा निजर लोक भी मिसे और कमिश्नरेट पुलिस पक्षर जो दुईट सचेतन बर्तमान समय कराई अचिन्हा लोकों ठूँ दूरे रुहतु और किए कौन द्रव्य आपंक खावाक देने ताठू दूरे रुहतु निहांती बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जेना आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी थे जहाँ से कहते हैं जो 6 जन निशा दिया लुटेरा गिरफ्त कर पूरापूरी भाव किभली भाव से माने प्रथमे बंधुता करुले यापर निशा दे लुट करुले जो घटनाक्रम पाखापाखी 6 जन को गिरफ्त कर 3 जन होती जो मैंने लुट करुले मध्य जो डॉक्टर रही या सहित आउ दुई जन होती जो मैंने पूरा जदि कह पूरा घटन से मध्य संपृक्त थी जहाँ चित्र सामना को आसूँ जहाँ किसी समय पूर्व पुलिस कमिश्नर श्रोदा जदि कह कि सौमेन्द्र प्रियदर्शी पूरा प्रेसमिट मध्यम बृत्ति रखुले चासी समस्या पर हुलुस्तुल विधानसभा मंडी अव्यवस्था ने गृहर मध्यभाग में विरोधी होहल्ला बीजेपी और कांग्रेस सदस्य हट्टगोल करिछन्ति गृह में बारंबार होहल्ला जोगु अपराह्न 4टा जाए गृह को मुलतवी करिछन्ति बाचस्पति दिव्यज्योति महांती आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि आम सहित ए बाबद्रे आलोचना पर जोड़ी होती दिव्य जे जो भाव चाषी प्रसंग वर्तमान सबुठ बड़ प्रसंग जहाँ को कि नहीं पूर्व अनेक बार विधानसभा रे बाबद आलोचना एवं जहाँ आप सूचना देखते कि पुणी थे विधानसभा रे ये चाषी प्रसंग उठी पुणी थे विधानसभा उलुस्तुल पूर्व 11:30 जाए मुलतवी या पुणी थे 4टा जाए गृह को मुलतवी रखाई कौन पूरा अपडेट आसूसी दिव्य देखो निवेदिता चाष और चाषी प्रसंग को नहीं प्रत्येक वर्ष विधानसभा हो हाला तुम्ही तोफान हुए एवं चलित वर्ष आप देखिए जो बजेट अधिवेशन आरंभ होता से ही समय चाष और चाषी प्रसंग को नहीं विधानसभा सरगरम रही आसी बजेट अधिवेशन प्रथम पर्याय शेष हो द्वितीय पर्याय आरंभ होवार प्रथम दिन गत काली प्रथम दिन में चाषी असंतोष चाषी जो असंतोष ग्राउंड में बढ़ी विधायक मैंने सामना करुंट से अभोग नहीं उभय कांग्रेस और विरोधी दल जी रही बीजेपी उभय विधायक मैंने गृह मध्यभाग आसते हट्टगोल करते नाराबाजी देते सरकार जो प्रतिश्रुति देते गृह मंत्री जो बृत्ति रखते से बृत्ति अनुजाई कार्य को सरकार पालन करना बृत्ति को सरकार रखि ना प्रतिश्रुति पालन कराए
ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଧାନ ଆଜି ମଣ୍ଡିରେ ପଡି ରହିଛି ସେମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାର ପ୍ରଥମେ ଧାନ ଉଠାନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅପରାହ୍ନ ଅଧିବେଶନ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏବଂ ଦେବଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ଗୃହ ଭିତରେ ସାନିଟାଇଜର ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦିନ ଠିକ 7:30 ସମୟରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ମାନେ ଗୃହର ମଧ୍ୟଭାଗ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗତକାଲି ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଥିଲା ତାକୁ ନେଇକରି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିବା ପାଇଁ ବାଚସ୍ପତି ନାୟକ ଦାବି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ହୋହାଲା ନାରାବାଜି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୃହର ମଧ୍ୟଭାଗ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଥିଲା ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରଥମେ ଗୃହରେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, ସେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଏକ ଆଚରଣ କଲେ ଗୃହ ଭିତରେ ଯାହା ଗୃହର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି କରିଛି। ବିଜେଡିର କହିବା କଥା ଥିଲା, ବିଜେଡିର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଦଳ ଅର୍ଥାତ ଶାସକ ଦଳ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ଇତିହାସରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗୃହର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଘେରାବନ୍ଦୀ କରିଛି ସରକାରଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗୃହର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଆସିଲେ, ଏହା ପରମ୍ପରା ବିରୋଧୀ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କାହିଁକି ଆସିଲେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୋଉ ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ମୋହନ ମାଝୀ ଏକଥାକୁ କହିଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଦିନ 11:30 ସମୟରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ସମାନ ସ୍ଥିତି ରହିଥିଲା, ଉଭୟ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଶାସକ ମୁହାଁମୁହିଁ ପୁଣି ଥରେ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦିନ 4:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହକୁ ଦିନ 4:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଯେ ବାଚସ୍ପତି କିଭଳି ଭାବରେ ଦିନ 4:30 ପରେ ଗୃହକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ଗୃହକୁ କିଭଳି ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଶାସକ ଉଭୟ ଅଡି ବସିଛନ୍ତି, ଗୃହକୁ ଚଳାଇ ଦେବେ ନାହିଁ। ବିରୋଧୀଙ୍କ କହିବା କଥା ପ୍ରଥମେ ଧାନ ଉଠାଯାଉ, ତାପରେ ସରକାର ଆଲୋଚନାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଶାସକ ଦଳ କହିବା କଥା ପ୍ରଥମେ ବିଧାୟକ ଭୁଲ ମାଗନ୍ତୁ, ପରମ୍ପରା ଭଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପରମ୍ପରା କିଏ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଶାସକ ଦଳ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ନା ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଆକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଶାସକ ଦଳ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିରୋଧୀ ହିସାବରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସେ ପରମ୍ପରା ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟମାକୁ ଆସିକି ପରମ୍ପରା ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିତର୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଲଟିଛି। ପରମ୍ପରା କିଏ ଭାଙ୍ଗେ ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିତର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ନିବେଦିତା ନିହାତି ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ, ଯାହା ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା, କିଭଳି ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭା ପୂରାପୂରି ଭାବେ ଉଲୁସ୍ତୁଲ ହୋଇଛି, ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଛି ପୁଣି ଥରେ। 4:00 PM ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି, ଏ ବାବଦରେ ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ତରସିଂ ପୋଲିସର ଗୁଣ୍ଡାଗିରି, ବିନା ଭୁଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଲହୁଲୁହାଣ କରିବା ଘଟଣାରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରି ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତି ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଥିବା ପୋଲିସ ଥାଇକି କି ଲାଭ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଲୁଟେରା ସନ୍ଦେହରେ ଜଣଙ୍କୁ କାବୁ କରି ପୋଲିସ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ହେଲେ ପୋଲିସ ଲୁଟେରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନେବା ବଦଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଲହୁଲୁହାଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତାରସିଂ ପୋଲିସ କି କାଲି ଗେରେଡ଼ାରେ କାଲି ଚୋର ଗୋଟେ ଧରାହେଇଥିଲା, ଗାଁ ଲୋକ ଧରିଥିଲେ, ଗାଁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଦେଇ ଡାକିକି ଦିଆହେବ ବୋଲାଳୁ ସିଏ ଓଲଟି ଆମ ଦିଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିକିରି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ତାରସିଂ ପୋଲିସ ଆଣିକିରି ଢୁକଉଛନ୍ତି, ଆମ ନାଁରେ ଓଲଟା କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାରସିଂ ପୋଲିସ। ଆଉ ଏମିତି ପୋଲିସ ଥାଇକି ଲାଭ କ'ଣ, ଚୋର ତ ଚୋର ବାଟେ ପଳଉଛି, ପବ୍ଲିକ ମାଡ ହେଉଛି, ଏମିତି ବାଡ଼େଇକିରି ଟାୟାର ଢୁକେଇକିରି ଫରଡ଼ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ସଙ୍କଟରେ ରାଉରକେଲା ସହରର ଜୀବନରେଖା ପାନପୋଷ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସେତୁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଦେଖାଦେଇଛି ସାଂଘାତିକ ବିପଦ। ଗୋଟେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସେତୁର କାର୍ଯ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେତୁରେ ଗାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ନଜିର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି କିଛି ସ୍କୁଲ ପିଲା ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ ପାଇଁ ପୋଲ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାର ଭିଡିଓ ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଲାଗିଛି। ପୋଲ ତଳୁ କଂକ୍ରିଟ ସଦୃଶ ଖଣ୍ଡମାନ ଭାଙ୍ଗି ନଦୀରେ ପଡୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଭିଡିଓରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଭାରିଯାନ ସହ ଲୋକମାନେ ପୋଲ ଉପରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହା ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଖେଳିଯାଇଛି ଭୟର ବାତାବରଣ। ତୁରନ୍ତ ଭିଡିଓରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି।
तबे वर्तमान समय रे जा खबर पहुंचुछि जे प्रथम रो अष्टम श्रेणी जाय सबु पिला पास गत वर्ष भली चलित वर्ष मध्य क्लास प्रमोशन प्रथम रु अष्टम स्कूल खोलिबनी कि क्लास हेबनी चलित शिक्षा वर्ष एप्रिल रु आरंभ होई नपारे वर्तमान स्थिति जहां स्कूल खोलिबा संभव नुहे जा सूचना आसी पहुंचुछि जे प्रथम रु अष्टम श्रेणी जाय सबु पिलांको पास कर दिया जिवो गत वर्ष भली चलित वर्ष मध्य समान स्थिति देखा जे क्लास रे प्रमोशन करा कर प्रथम रु अष्टम जाए स्कूल खोलिबनी कि कौनसी प्रकार क्लास होबनी चलित शिक्षा वर्ष एप्रिल रु आरंभ हो नपे एक सूचना आसुच्छी या सहित बर्तमान स्थिति जहाँ रही जो कोविड स्थिति को नहीं हुए तो स्कूल खोलिबा संभव नुहे जहाँ चित्र सामना को आसुच्छे तबे जहाँ सूचना आसुच्छी जे प्रथम रु अष्टम श्रेणी जाए सब पिला को पास कर गत वर्ष जो भाई चलित वर्ष से भाव सामान स्थिति उपजी जो क्लास को क्लास रे प्रमोशन करा जिबो प्रथम रु अष्टम जाए स्कूल खोलिबनी कि कौनसी प्रकार क्लास हेबनी जो कोविड कटक रही कोविड स्थिति पुणी थे जदि कह कि उपरम्भ हो कोरोना ग्राफ जो एक निष्पत्ति नेबा को जाउछंती सरकार या सहित चलित शिक्षा वर्ष एप्रिल आरंभ हो नपे जहाँ आलोचना पर्यालोचना चली जो द्वंद लगि रही था जे पिला स्कूल आसवा को नहीं पाठपढ़ा को नहीं जो किभली भाव पे आसबे भल रूपे पाठ पढ़े घर को फेरबे जहाँ चिंतार विषय पलटि से कोटना कोठी गोटे संभावना देखा देउछि जे स्कूल न खोली पारे अर्थात एप्रिल रु जो पाठपढ़ा आरंभ हवा कथा ता होई न पारे जहाँ वर्तमान स्थिति रही स्कूल खोलिबा संभव नुहे जहाँ सूचना आसुच्छी ए बाबद अधिक आलोचना सतरूपा सामंतराय आम सहित आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि जोड़ी सतरूपा अपडेट कौन आसी पहुंचुछि स्कूल खोलिबा बाबद्रे देखो तो जो स्कूल खोलिबा कथा को नहीं द्वंद्व चली रही था एक रु अष्टम श्रेणी बा प्रथम रु अष्टम श्रेणी पर्यंत समस्त छात्र छात्री को वर्तमान जो रही पास करा जाए बिना परीक्षा रे सेमाने पास करिवे कारण देखो तो निवेदिता जिते बड़े कोविड आरंभ होता कोविड समय रु वर्तमान पर्यंत गोटे वर्ष सरी सारे एप्रिल रे नुआ शिक्षा वर्ष आरंभ हवा कथा किंतु नुआ शिक्षा वर्ष आरंभ हो पारुनी एवं जिते बड़े कोविड रो प्रथम पर्याय सरी जाइथिबा बेले द्वितीय स्ट्रेन रो कथा मध्य सामना तो ये सब परिप्रेक्षी भितर जो एवं गणशिक्षा विभाग तरफ यही निष्पत्ति नियाजाई कि प्रथम रु अष्टम श्रेणी पर्यंत जो भी छात्र छात्री माने रही बिना परीक्षा रे पास करिवे एवं अन्य पटे देखिबा जेतले मैट्रिक कथा कहिबा मैट्रिक रे मध्य 100 दिन पाई पाठ पढ़ा व्यवस्था करा जाइतला किंतु वर्तमान मैट्रिक को छाड़ी देले जो बाकी जो शिक्षा जो क्लास गुड़िक रही श्रेणी गुड़िक रही सेमानकर जो परीक्षा हवा कथा से परीक्षा को वर्तमान बंद करा जाइछि कारण बिना परीक्षा रे सेमाने पास करिवे एवं एप्रिल मास रे नुवा शिक्षा जो रही था नुवा शिक्षा आरंभ हवा दरकार आरंभ हवा कथा किंतु गोटे वर्ष बीती जाइछि कोविड कटकणा रही अन्यपटे प्रचंड खरा मध्य धीरे धीरे बढ़िवारे लगी पारद मध्य उपरमुहा होइछि एसबु को आखि आगे रखी एभली एक निष्पत्ति निया जाइछि बोले गणशिक्षा विभाग पक्षर कहुच्छे तो कौटिना कौटी एवं आहरी प्रश्न उठू जिते बड़े पाठ पढ़ा होनी गोटे वर्ष छुआ मैंने पाठ पढ़ी ना पुणी क्लास प्रमोशन हम तो यह भितर छुआ जो गुणात्मक शिक्षा रही मान वृद्धि हम कि नहीं कि एक बड़ प्रश्नवाची सृष्टि होती जदि देखा जाए अंपटे कोविड पुणी प्रचंड ताति एसबू को आखि आगे रखी एभली एक निष्पत्ति निया सूचना मिली निवेदिता तेज सतरूपा आउ गोटे कथा जानते हैं गत वर्ष सामान स्थित देखा मिलता जेहेतु कोविड महामारी सहित आम समस्ते जुझी होते जहाँ को दृष्टि रखी गणशिक्षा विभाग पक्षर यह निष्पत्ति निया चलित वर्ष सामान स्थित देखा मिलूँ आपत जहाँ कहते जदि एभली स्थित उपजे अर्थात जदि पिला भाव पास कर दि जाए तेज गुणात्मक विकास किभली हेब पिला भविष्य सहित ये खेल नुहे कि निहाती भाव देखु निवेदिता जदि आम परीक्षा कथा कहिबा जिते बड़े प्रथम रु अष्टम श्रेणी जो छात्र छात्री मैंने रही से माने परीक्षा देवा दरकार कारण जो गुणात्मक शिक्षा रही था मान वृद्धि कथा रही था गोटे क्लास रु आ गोटे क्लास को जिते बड़े छात्र छात्री प्रमोशन होती जो परीक्षा टी होता है ता ही जन कि छुआ गोटे वर्ष भितर छात्र छात्री गोटे वर्ष भितर केठ पढ़ी और केजक प्रिपेयर करोटिना कौटी एक ता एक बड़ प्रश्नवाची
सृष्टि होती कारण गोटे रु अष्टम श्रेणी मानते प्रथम क्लास रु अष्टम श्रेणी पर्यटन छात्र छात्री को पास कराई अंपटे जो मैंने अष्टम श्रेणी पास करेंगे से मैंने नवम श्रेणी को जी तो कौटिना कौटि से जो मान रही उपरतल हो पारे वर्तमान जहाँ जो बुद्धिजीवी मैंने रही प्रश्न उठू कि अंपटे जो खरा जो रही उपरमुहा होम कोविड महामारी गोटे वर्ष काल छात्र छात्री पाठ पढ़ा जमा भी होना तो ऑनलाइन क्लास जदि कह ऑनलाइन क्लास विभिन्न जगार निवेदित आपंथे ऑनलाइन क्लास जिते बड़े होता उपात इलाका कथा कहतु बाहर कथा कहतु सबू जगार नेटवर्क प्रोब्लेम रोला ऑनलाइन क्लास रे छात्र छात्री को ठीक भाव में पाठ पढ़ा दे पारा ना गणशिक्षा विभाग तो यह एक निष्पत्ति नापी मैं गणशिक्षा विभाग बाध्य हो पड़ी कारण जो ऑनलाइन शिक्षार व्यवस्था पूरापूरी भाव में जदि कह संपूर्ण भाव में फलप्रद हो पारिना उपात इलाकर अनेक जगार नेटवर्क इश्यू कथा कहतु मोबाइल कथा कहतु अनेक जिनस को जितेबाला तर्जमा करलाइन क्लासेस जो होता शिक्षा छात्र छात्री मानूँ वर्तमान कौन भाव में ठीक भाव में हो पारिना जहाँफल एभली एक निष्पत्ति अनेक बुद्धिजीवी निजर मत रखुं तो बर्तमान जहाँ अपडेट आसी प्रथम श्रेणी अष्टम श्रेणी पर्यंत छात्र छात्री मानू बिना परीक्षा पास करा बिना परीक्षा से माने पास करेंगे और गोटे श्रेणी आउ एक श्रेणी को उत्तीर्ण करेंगे तो निहाती कोठीना कोठी जदि कहिबा सब सतरूपा गत वर्ष जो व्यवस्था अपना जाइतला चलित वर्ष से समान व्यवस्था को अपना जाइछि जे प्रथम रु अष्टम श्रेणी जाए सब पिला पास कर दि अर्थात जो प्रमोशन कर दि जाए तेज प्रश्न आसूद्वारा पिलांर गुणात्मक विकास हे तो ये सब बड़ प्रश्न बहुत बहुत धन्यवाद सतरूपा सामंतराय आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी बाबद आलोचना करते तेज ए बाबद गणशिक्षा मंत्री समीर दास रियाक्शन को सामना को आसत नजर पक बर्तमान जहाँ स्थित अच्छी आपने जानूंट राज्य में पुनर्वार जेहेतु करोना कथ विभिन्न जगह भारत बर्षे आसी भावना ही आर्तन एक आठ खोल किसी कथ नहीं नेक्स्ट सेसन में आरंभ करवा जेहेतु क्लास हबार संभावना ना गत थर आपंज क्लास प्रमोशन दिहाई जेहतु यही समय आज दिन में जेहेतु समस्त कथ बंद हो जाता परीक्षा हाँ संभवपर हो ना क्लास नाइन्थर गोटे पेपर रही जाता आप जानते एक रु वन टू एट जमा क्लास हो ना परवर्त अवस्था अल पास कराई था तो से फर्मूला एथर प्राय आपणार संभावना अच्छी बट निष्पत्ति जदि कि क्लास आज जेहेतु खोलूना तेणु परीक्षा हबार संभावना प्रायत तो ना तेणु बर्तमान आम तो ऑनलाइन रे परीक्षा करवा के संभव नुह आम जहाँ प्राक्टिकालीटी अच्छी आम ऑनलाइन पाठ पढ़ा भितर जो आम देखीचे ऑनलाइन रे परीक्षा करवा संभवपर हो पार ना सो जदि निष्पत्ति होना यहपर एक विचार विमर्श जारी अच्छे परवर्ती खबर को अगस्त पहलें चलित बर्ष नीट प्रवेशिका परीक्षा जातीय परीक्षा एजेंसी नीट निजर ऑफिशियल वेबसाइट रे एमबीबीएस प्रवेशिका परीक्षा तारीख घोषणा करिछे परीक्षा पाई आवेदन खूब शीघ्र आरंभ हेबो एमबीबीएस एवं बीडीएस पाठ्यक्रम एडमिशन करने को चाहूबा विद्यार्थी प्रवेशिका परीक्षा देबे एथिपाई प्रथम आवेदन करने को ntanet.nic.in रे लॉगिन करी विद्यार्थी पंजीकरण करें विद्यार्थी पेन एवं पेपर मोड रे परीक्षा देबे मेडिकल प्रवेशिका परीक्षा बसवाक विद्यार्थी सर्वनिम्न बयस 17 एवं सर्वाधिक बयस 25 वर्ष बयस युक्त दुई विज्ञान में कौन स्वीकृतिप्राप्त बोर्ड रु पास करेंगे विद्यार्थी ए परीक्षा 11 भाषा तथा इंग्लीश हिंदी ओडिया आसामी गुजराती बेंगली मराठी कन्नड़ तेलुगु तमिल एवं उर्दू रे परीक्षा हो विद्यार्थी जो भाषा परीक्षा देबे आवेदन पत्र रे ताहा उल्लेख करिबे आसंता 16 तारीख में बुला विसुट ऑफलाइन क्लास आरंभ बुला वीर सुरेन्द्र साई वैषयिक विश्वविद्यालय में एकाधिक छात्र छात्री कोरोना आक्रांत चिन्हट होगा समस्त सेमिस्टर और क्लास को बातिल कर दीजिए विसुट समस्त छात्र छात्री से क्लास और परीक्षा को ऑनलाइन माध्यम से देवाई विसुट कुलपति निर्देश देते परवर्त समय विसुट में कोरोना ह्रास पाई जो पुणि थे ऑफलाइन आरंभ हो क्लास आसंता 16 तारीख ठार् क्लास हो विसुट अंडर ग्राजुएट और पोस्ट ग्राजुएट छात्र छात्री ऑफलाइन क्लास करेंगे विश्वविद्यालय द्वितीय सेमिस्टर रु दशम सेमिस्टर पर्यंत समस्त प्रैक्टिकल सेशन क्लास थियोरी क्लास और ड्राइंग क्लास ऑफलाइन हेबो तबे समय सरिचे बुलेटिन को एड सरछु नमस्कार।